आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। कोरबा में ACCL की रजगा मार खदान प्रभावित क्षेत्र में संचालित ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर पंप केबल सहित भूमिगत खदान में धस गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरबा में ACCL की रजगा मार खदान प्रभावित क्षेत्र में संचालित ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर सबमर्सिबल पंप केबल सहित भूमिगत खदान में धस गया। इस घटना की जानकारी जब स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीण दहशत में है। जिस स्कूल में घटना हुई वह क्षेत्र रजगमार के हल्का नंबर 39 में आता है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने ACCL प्रबंधन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है कि माइंस में ब्लास्टिंग के कारण यह घटना घटी। इस घटना की भयानकता इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि ज्ञानदीप स्कूल परिसर में लगे बोर के धंसने के बाद जमीन की सतह से बोर के रास्ते भूमिगत खदान में खदानकर्मी भीतर खदान के फेस नंबर 10 से साफ बात हो रही है। देखिए बोर है, आवाज मार उतर रस्ते देखो। हम ऊपर ले ज्ञानदीप में हम हैं। का कर देगा भैया, कौन सा फेस में हवा है? 10 लेवल में अभी ब्लास्टिंग थोड़ी करिए की? अभी ब्लास्टिंग थोड़ी ना करिए। हाँ ये तेरा मत करिए। अब मशीन कहाँ है पूछा ना? अब मशीन कहाँ है? बोरिंग के, बोरिंग के, बोरिंग के दिखा थे। हाँ ये तीन मत कर यार, फालतू ऊपर आगे थोड़ा राइट मार बोल तू ऊपर से। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की दहशत कितनी है। नियमों को ताक पर रखकर खदान प्रभावित बसाहत क्षेत्र सेफ्टी जोन में कोयला उत्खनन कराया जा रहा है। इसकी सूचना पर जिला कलेक्टर किरण कौशल द्वारा तहसीलदार सुरेश साहू, पटवारी दामोदर प्रसाद तिवारी, रजगामार सरपंच ब्रिज कुंवर तिवारी के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने खदान के जिम्मेदार अफसरों को मौके पर तलब किया और बताए गए जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही ACCL के GM व माइनिंग सिक्योरिटी ऑफिसर को तकनीकी नियमों को ध्यान में रखने और मापदंडों के मुताबिक खुदाई के निर्देश दिए हैं। 160 मीटर, 160 मीटर बताएंगे। निरीक्षण करने आए थे, किस विषय को लेकर आए थे? ACCL की रजगा मार्ग के अंडरग्राउंड माइंस के नीचे माइनिंग ऑपरेशन के कारण कुछ ग्रामीणों के द्वारा कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया, उसी के निरीक्षण के लिए आज हम पर आए थे। और माइन सेफ्टी के जो निर्देशों के अनुरूप और टेक्निकल रूप से जो वायबल होगा उसी प्रकार से माइनिंग एक्सकेवेशन किए जाए, इसके लिए ACCL प्रबंधन को निर्देशित किया। अभी क्या रहेगा मैडम इसमें? मैडम बताएंगे, आज कलेक्टर महोदय आपके स्कूल में आई थी, किस विषय पर लेकर आई थी? परसों हमारा बोर यहाँ से सेल से वो हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, उसके कारण हमारा बोर नीचे चला गया है, इस समय पानी की समस्या आ गई है। इस कारण कलेक्टर महोदय आ जाए कि हमारे यहाँ पूरा निरीक्षण करते गए हैं स्कूल का। अभी स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था की है? अभी फिलहाल तो सवेरे सर हमको ACCL का कनेक्शन दे रहे हैं, वहाँ से हमको पानी दिया जाएगा। क्या लगता है ये जो ACCL का जो उत्खनन हो रहा है स्कूल परिसर के नीचे पे, आगे इसके लिए क्या हो सकता है? RNN न्यूज के लिए कोरबा से अरुण जांगड़े की रिपोर्ट।